अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ मेरे बन्नी रैबिट का डेली रूटीन, फुल डे डेली रूटीन। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और 7:30 बजे का वक्त होगा। और जो है अम्मी रोज़ तो मेरे हस्बैंड क्लीन करते हैं उसका लिटर बॉक्स, जो है अभी अम्मी लेके जा रहे हैं और टॉयलेट में डालकर क्लीन कर दिए। अब उसको अच्छे से फिर से वॉश कर रहे हैं ये देखिए, और उसको रख देंगे सूखने के लिए। और उसकी जो टोकरी है जिसमें हम लोग उसको ऊपर रखते हैं उसको भी धोकर सुखा लेंगे। और जब तक उसको फिर हम लोग पूरा दिन इसी तरीके से ऊपर जो है यहाँ पर कट्टा बना हुआ है हमारी विंडो पर उस पर छोड़ देते हैं। और मॉर्निंग में जब मेरे हस्बैंड उठते हैं तो उसको एक बाउल वेजिटेबल्स का दे देते हैं, वो खा लेता है। और फिर उसके बाद वो खेलता है एक घंटे तक, 1.5-2 घंटे तक खेल लेता है अच्छे से। और फिर 9 बजे का टाइम होता है तो हम लोग उसको कोथमीर देते हैं, यानी हरा धनिया उसका फेवरेट है वो देते हैं, या तो फिर जो भी वेजिटेबल अवेलेबल होगा वो दे देते हैं उसको। कैरेट्स भी उसका बहुत फेवरेट है, तो इस तरीके से ऊपर ही खेलता रहता है। उसको हम लोग ज़्यादातर नीचे घर में छोड़ते नहीं है, नहीं तो फिर यहाँ वहाँ जाकर कोने में जो है वो टॉयलेट कर देगा इसके लिए। और ये देखिए इस तरीके से इसको हम लोग डाल कर रखते हैं पुट्टी के अंदर, यानी कि जब वो सोता है तभी उसको उसके अंदर सुला देते हैं। और अभी 9:30 बजे का वक्त है और खेल खेल कर थक गया है तो अब इसका सोने का टाइम हो गया है। और अच्छा माशाल्लाह वो जो 2-2.5 घंटे की नींद ले लेता है, अब 11:30 बजे का वक्त है तो वो उठ गया है। और अब मल्लिका उसको जो है खिला रही है वेजिटेबल्स, तो खेल खेल कर इस तरीके से बच्चों के हाथ से खा लेता है। कभी मैं खिलाती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड, कभी अम्मी, और कभी मल्लिका या सुहान, जिसको भी जिस तरीके से टाइम मिलता है हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। जब कोई खिला देता है तो फिर वो सब बोल देते हैं दूसरों को कि हाँ हमने उसको खिला दिए अभी करके। और यानी कि उसका एक फिक्स टाइमिंग रहता है, वो टाइमिंग पे वो उठता है और वो टाइमिंग पे वो सोता है। जब अभी जो है खाएंगा ना भी वो, तो फिर और 2-2.5 घंटे तक खेलेंगा वो। फिर उसके बाद एक बार खा लेता है ना कोई भी चीज़, तो उसके बाद कोई चीज़ नहीं खाता है। और अभी देखिए अब इसका सोने का टाइम हो गया है। जिस तरीके से हम लोग दोपहर में सोते हैं ना 2-2.5 घंटे की नींद, उसी तरीके से वो बराबर 2-2.5 घंटे की नींद उसकी भी हो जाती है दोपहर में। और शाम में फिर वो उठ जाता है 5:30 बजे वो भी उठ जाता है हमारे साथ में। और फिर उसको हम लोग एक वेजिटेबल्स का बॉल दे देते हैं, वो खा लेता है। वेजिटेबल्स में जो है उसको शिमला मिर्ची है और पालक है, हरा धनिया है और गाजर है, और जो है खीरा यानी काकड़ी है वो सब कट करके वॉश करके देते हैं और फिर वो खा लेता है। देखिए मल्लिका के साथ उसका पूरा दिन इसी तरीके से मल्लिका खेलते रहती है और फिर उसका भी टाइम पास हो जाता है और वो बनी रैबिट का भी ध्यान रख लेती है। और ये जो कट्टा बना हुआ है ना उसके ऊपर से हम उसको ज़्यादा नीचे उतारते नहीं है, मोस्टली इसके ऊपर ही रहता है वो। और सोने के लिए उसको उस पुट्टी में रख देते हैं। और ये देखिए अभी वो अपना ग्रूमिंग सेक्शन चालू है उसका, उसको नहलाते नहीं है। रैबिट को कभी नहलाना नहीं चाहिए, भूल कर भी रैबिट को कभी नहलाइए मत, नहीं तो वो उसकी जान जा सकती है। और इसी तरीके से वो अपने आप को क्लीन कर लेते हैं, अपने मुंह से जो चाट चाट कर अपने जो है कान है पैर है इस तरीके से सब वो क्लीन कर लेते हैं अच्छी तरीके से। दिन में 3-4 बार तो लोग इस तरीके से करते ही है जिससे कि वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। एक तरीके से इनका ग्रूमिंग सेशन हो गया कि वो नहा भी लेते हैं, अपने खुद से ही नहा लेते हैं। और ये देखिए अभी वो इस तरीके से फिर खेल रहा है मल्लिका के साथ। और उसके बाद जो है फिर से वो उसकी 1-2 घंटा खेलता है, फिर से सो जाता है, फिर उठता है, फिर उसको खाने के लिए कुछ देते हैं, यानी कि उसका दिन भर इसी तरीके से चलता रहता है। और रात में भी हम लोग उसको एक वेजिटेबल का बॉल उसके टोकरी के अंदर रख देते हैं, रात में भी 1-2 बार उठ के वो खा लेता है। और उनकी डिगिंग की आदत भी होती है, यानी कि खोदने की आदत होती है ज़मीन, वो पैर से ऐसा ऐसा करके खोदते हैं ना, वो भी उनकी आदत होती है। और मल्लिका ने उसका नाम जो है चेंज कर अभी मफिन रख दी है। पहले उसने स्नोबॉल रखी थी, लेकिन वो बॉल स्नोबॉल बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो फिर उसका नाम मफिन रख दी। और मल्लिका का टाइम पास और सुहान का भी इस तरीके से हो जाता है और बच्चे भी खुश रहते हैं। और रैबिट का ऐसा जो रैबिट एक ऐसा पेट एनिमल है ना जिसको
जिसका कोई यानी कि आवाज़ नहीं होता। कुत्ते की तो भी आवाज़ होती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं वो, लेकिन इनका आराम से शांति से सुकून से रहते हैं ये। और जितना वक्त पर आप उनको खाना देंगे वो खा लेते हैं और अपना सुकून से जो है सो जाते हैं या तो बैठते हैं। और वो ज़ोर ज़ोर से जब आपको लगेगा, देखिए जब कभी कभी ना रैबिट है ना ज़ोर ज़ोर से उछलते भी है, जंप मारते हैं, तो उसका मतलब है कि वो बहुत खुश है। और इस तरीके से वो ज़ोर ज़ोर से उछल उछल कर अपनी खुशी जो है बताते हैं सबको। और वो जो जब दो हाथ पर खड़े होकर दो पैर पर नीचे के जो पीछे के जो उनके दो पैर पर है ना उन पर खड़े होते हैं ना, और दो हाथ पे आगे से खड़े होते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ चीज़ को ना एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ चीज़ उनको दिख रही नहीं है तो वो देखने के लिए ऐसा उचक के खड़े हो रहे हैं। और इस तरीके से वो बहुत बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से खेलते हैं। और जब आप उनको सर पर हाथ फिरा फिरा कर टैप टैप करेंगे ना तो फिर उनको नींद आने लगती है, वो आराम से सो जाते हैं। और मलिका को उसके कान पकड़ना बहुत पसंद है, और मलिका को बचपन से सबके कान पकड़ना बहुत पसंद है, तो रैबिट का भी कान वो पकड़ती है, लंबे लंबे कान उसके सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं, यानी कि हल्के हल्के हाथों से उसको कान पकड़ना बहुत पसंद है। तो अभी ये देखिए इसको जो है कोतमीर जो है वो खिला रहे हैं, और कभी कभी इसका डाइट हम लोग चेंज करते रहते हैं, कभी वो कोतमीर खाती है दिन में, कभी जो है वो हे होता है ना ग्रास जो होता है वो खाती है, और कभी कभी वो जो है रोटी खा लेती है, कभी चावल खा लेती है, यानी कि उसका जो हम लोग जब खाने के लिए बैठते हैं ना तो बराबर आकर हम लोग के पास देखती है और खाना यानी कि मांगती है और पसंद करती है जो भी हम लोग खाते हैं वो। लेकिन उसको जो है ज़्यादा जो स्पाइसी फूड है ना वो नहीं देना चाहिए, मतलब कि रोटी है चावल है ये सब हो गया, ये सब दे सकते हैं। तो इसी तरीके से इसका दिन भर इसी तरीके से चलता रहता है, 2 घंटा सोता है, 1 घंटा जागता है, खेलता है, खाता है और सोता है। और फिर उसका जो है लिटर मॉर्निंग में क्लीन हो जाता है, और दिन भर में भी इस तरीके से कभी वो कर देता है तो हम लोग क्लीन कर देते हैं कोई ना कोई मिलकर। और ये देखिए इस तरीके से वो जो है खेलते रहता है दिन भर, और उनकी खोदने की आदत होती है ना तो डिगिंग करते हैं उस तरीके से अपने आगे के हाथ से, तो वो तो उनको आदत होती ही है तो वो इस तरीके से करते हैं वो, तो उसमें कोई ये बात नहीं है, वो करते ही नॉर्मल है उनके लिए सब। अभी हमारा जो बनी है वो मफ़िन, उसको जो है जंप करने की आदत हो गई है, पहले छोटा था जंप नहीं करता था, अब एक दिन मलिका ने उसको इसी तरीके से डाल दी थी, एक दिन के अभी 1-2 दिन पहले की बात है, इस तरीके से डाल दी थी तो उसने जंप करके बाहर उसमें से आ गया था टोकरी में से, ये देखिए ऐसा ज़ोर से जंप करके आ गया, यानी कि उसको अभी जंप करने की आदत भी हो गई है। ये मलिका मुझे बता रही कि मम्मी ये वीडियो में भी ये वीडियो ऐड करो करके। और ये देखिए 3:15 बजे का वक्त है, जब हम लोग दोपहर का खाना खा लेते हैं तो हम लोग भी थोड़ा आराम करते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, तो वो भी सो जाता है इसी तरीके से आराम से फैल कर एकदम रिलैक्स होकर सोता है। और 5:15 बज गए, अभी उठ गया है और मल्लिका उसके साथ खेल रही है। और जो पानी आप आरओ का पीते हो, जो भी पानी पीते हो फिल्टर का वगैरह बिस्लरी वही आप इसी को पिलाना है इसको भी, तो दिन में से 4-5 बार जो है इस तरीके से हम लोग उसको पानी पिलाते हैं। और पानी का कटोरा उसके पास नहीं रखते क्योंकि फिर उसको उठा के पटक देता है और पूरा गीला हो जाता है, इसके लिए पानी पिलाकर वो कटोरा वहाँ से मलिका फिर हटा देती है। ये देखिए इसको मलिका भी मसाज दे रही है सर पे, इस तरीके से करेंगी ना तो बहुत ही रिलैक्स हो जाता है और कभी कभी तो सो भी जाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से मसाज करना। और उसको मॉर्निंग में एक इस तरीके से वेजिटेबल्स का बॉल मिलता है, और आफ्टरनून में मिलता है, नहीं आफ्टरनून में इवनिंग में मिलता है, और 2 टाइम देते हैं वेजिटेबल का बॉल, और बीच बीच में जो है उसको कोथमीर है ग्रास है वो सब देते हैं। तो इस तरीके से मेरे ये रैबिट का डेली रूटीन है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो है मफ़िन का ये जो डेली रूटीन है आपको कैसा लगा।